हेलो व्यूअर्स, आज हम गूगल क्रोम फीचर शॉर्टकट बताने वाले हैं। कल हमने आपको टैब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी थी, आज हम लोग गूगल क्रोम फीचर शॉर्टकट सीखेंगे। उसके लिए ऑल्टर एफ करेंगे, तो उसके लिए आपको गूगल क्रोम में जाना पड़ेगा। यहाँ पर ऑल्टर एफ करेंगे हम लोग तो फाइल मेनू खुल जाएगा, और चाहे ऑल्टर ई करेंगे तो भी फाइल मेनू खुल जाएगा। यहाँ पर डिफरेंट टैब के बारे में, विंडो के बारे में, यूनाइट विंडो और डाउनलोड के बारे में बहुत चीज़ें हमने कल बताई थी, आज इसको रिपीट कर देंगे। तो नेक्स्ट आपका कमांड है, कंट्रोल शिफ्ट बी बुकमार्क के लिए है, और कंट्रोल शिफ्ट ओ आपका बुकमार्क मैनेजर के लिए। तो इसको सबसे पहले चलते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बी करते हैं तो बुकमार्क देखे एक बार चला जाएगा, एक बार आ जाएगा, जो आपने बुकमार्क किया है वो यहाँ पर आपका दिखेगा, और कंट्रोल शिफ्ट और बी करने से चला जाएगा। अब कंट्रोल शिफ्ट और ओ करते हैं तो बुकमार्क का मैनेजर आ जाएगा, जहाँ बुकमार्क आप अदर बुकमार्क कर सकते हैं, मोबाइल बुकमार्क कर सकते हैं और बुकमार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को हिस्ट्री अगर खोलनी है तो कंट्रोल एच करेंगे, और डाउनलोड खोलना है तो कंट्रोल जे करेंगे, और टास्क मैनेजर खोलना है तो शिफ्ट एस्केप करेंगे। तो पहले डाउनलोड हिस्ट्री करते हैं, कंट्रोल एच करेंगे हिस्ट्री आ जाएगी, कंट्रोल जे करेंगे तो डाउनलोड आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे दो कमांड है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप और शिफ्ट पर ऑल्टर टी। शिफ्ट प्लस एस्केप करेंगे तो आपका टास्क मैनेजर खुल जाएगा, और शिफ्ट प्लस ऑल्टर प्लस टी करेंगे फोकस ऑन द फर्स्ट आइटम इन द क्रोम टूल बार, तो फर्स्ट क्रोम टूल बार के आइटम पर फोकस करेगा। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं, और सबसे पहले हम लोग शिफ्ट और एस्केप करेंगे, तो शिफ्ट और एस्केप दबाएंगे तो टास्क मैनेजर खुल जाएगा। यहाँ पे कौन कौन से टास्क चल रहे हैं ये यहाँ पे ये दिखा रहा है, देखो यूटिलिटी, ऑडियो सर्विस, नेटवर्क सर्विस, स्टोरेज, हिस्ट्री चल रही है, गूगल क्रोम चल रहा है, सारा कुछ, मेटामास्क चल रहा है, एक्सटेंशन ट्यूब बडी चल रहा है, तो इसको हम देख सकते हैं। अब शिफ्ट प्लस एस्केप करने से टास्क मैनेजर आता है, शिफ्ट ऑल्टर टी करने से आपका फोकस ऑन फर्स्ट आइटम इन क्रोम टूल बार और सेट फोकस ऑन राइट मोस्ट टूल बार, दो तरह से कर सकते हैं। हम सबसे पहले F10 करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट और शिफ्ट ऑल्टर और टी करेंगे, शिफ्ट ऑल्टर और टी करेंगे तो ये देखिए आपका यहाँ पर आ गया, और F10 करेंगे तो ये वापस चला जाएगा, तो इस जगह पे फर्स्ट पोजीशन पर रिलोड दिस पेज पर आएगा। अब नेक्स्ट हमारा कमांड है स्विच फोकस टू अनफोकस डायलॉग एंड ऑल टूल बार, तो अगर जो टूल बार जो नहीं आ रहा उस पर चला जाएगा, तो F6 करेंगे तो ये देखिए जो फोकस नहीं डाउनलोड पर चला गया। नेक्स्ट हमारा है ओपन एंड फाइंड बार टू सर्च द करंट पेज, अब करंट पेज पे कुछ हमको सर्च करना है बुकमार्क जैसे है, तो यहाँ पर देखिए यूट्यूब आया है, विंडो आया है, गूगल आया, गूगल कई बार आया है, तो कंट्रोल एफ करते हैं हम लोग, कंट्रोल एफ किया, कंट्रोल एफ किया, ये सर्च बार खुल गया। अब यहाँ पे हमें यह देखना है कि कौन चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें देखिए क्रोम कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्रोम, तो ये देखिए दोनों को सर्च कर लिया उसने, जो आपके क्रोम जितने भी आएंगे सबको वो सर्च कर रहा है। अब आगे पीछे अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपके पास दो कमांड है, पहला है कंट्रोल जी और दूसरा है कंट्रोल शिफ्ट जी। जब आप कंट्रोल जी करिएगा तो ये आगे जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट जी करिएगा तो ये पीछे उसी वर्ड पे जाएगा, तो आपको जो ढूंढना है वो आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है
ओपन डेवलपर टूल, तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और जे करना होगा या F12 करना होगा। तो यहाँ पे जाके कंट्रोल शिफ्ट और जे करेंगे तो आपका डेवलपर टूल खुल जाएगा। प्रिकॉशन के लिए आपको बता रहे हैं कि अगर आप डेवलपर नहीं हैं तो इस टूल को मत खोलिए, और अगर आप डेवलपर हैं तो इसमें जाकर आप काम कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट मेनू दिए हुए हैं जिनको आप अच्छे से स्टडी करिए और अपने डेवलपमेंट को प्रोग्रेस करिए, उसमें यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से आप काम कर पाइएगा। ये सारा सिक्योरिटी दिया है, लाइट हाउस दिया है, परफॉर्मेंस दिया है, सारा कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये दो तरह से खुलेगा, पहला है कि कंट्रोल शिफ्ट जे करिए या इसको बंद करिए पहले और F12 दबाइए। F12 दबाने से भी डेवलपर टूल खुलना चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट और जे, कंट्रोल शिफ्ट और जे, कंट्रोल शिफ्ट और जे, ये डेवलपर टूल F12 नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं, इसमें नहीं ले रहा है तो F12 करने से भी खुलना चाहिए। तो आप अपना खुल गया, F12 से भी खुलेगा आपका, उस बार दबा नहीं होगा इसलिए नहीं हुआ। अब आपके आया ओपन क्लियर ब्राउजिंग डेटा ऑप्शन, तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल शिफ्ट और एम दबाना है, क्लियर द डिलीट दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट दबाएंगे। तो अब ये देखें क्लियर ब्राउजिंग डेटा आएगा, यहाँ पर आप ब्राउजिंग डेटा को क्लियर कर सकते हैं। अभी हमें नहीं करना तो हम बाहर निकल आएंगे। F1 दबाइएगा तो आपको गूगल क्रोम का हेल्प मेनू मिल जाएगा, यहाँ से किसी भी तरह की आप हेल्प ले सकते हैं। ये अब यहाँ पे हम ये चार आपको शो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें लॉगिन पूरा दिखता है, लॉगिन डिफरेंट यूजर और ब्राउजर एज अ गेस्ट। अगर आपको एज अ गेस्ट ब्राउज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एम दबाइए, ओपन अ फीडबैक फॉर्म करिए अगर फीडबैक भेजना है, टर्न ऑन क्रिएटर ब्राउजिंग, ब्राउजिंग क्रिएटर करने के लिए आपको F7 दबाना है, स्किप टू वेब कंटेंट, वेब कंटेंट को से स्किप करना है तो कंट्रोल F6 दबाना है, फोकस ऑन इन एक्टिव डायलॉग बॉक्स। अब नीचे के दो हम आपको बता सकते हैं, तीन क्रिएटर ब्राउजर हो सकता है, स्किप टू वेब कंटेंट होगा, यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल F6 करेंगे, यहाँ पर जाके कंट्रोल F6 करेंगे तो ये वहां से हट जाएगा। और यहाँ पे स्किप टू वेब कंटेंट किया, फोकस ऑन इन एक्टिव डायलॉग, अल्टर शिफ्ट और ए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्टर शिफ्ट और ए करेंगे, अल्टर शिफ्ट और ए यहाँ पे जाके करना होगा ना, अल्टर शिफ्ट और ए, इसको बंद कर दें, बहुत सारी चीजें खुली रहेगी तो नहीं रहेगा, अल्टर शिफ्ट और ए। अब ये यहाँ पे बहुत सारा खुला हुआ है, इसको बंद करें थोड़ा से, गूगल क्रोम हेल्प लिया, ये भी बंद कर दें। अब यहाँ पे गए मेन में जाएं, इसको फिर से ऑन करें गूगल को, अब ऑल्टर शिफ्ट और ए करेंगे। एज अ प्रिकॉशन हेल्प मेजर आवर सपोर्ट स्पेशलिस्ट लाइक COVID-19 वी आर ओपनिंग विद अ लिमिटेड टीम, इफ यू नीड हेल्प विद प्रोडक्ट टू सपोर्ट यू हैड अ ट्रबल फोन कंसल्टेंट इन
तो कह रहा है अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप फोन से अपने कर लीजिए, कुछ ज्यादा ही हो गया गा। यहाँ पे जाके ऑल्टर शिफ्ट और ए इन एक्टिव डायलॉग बॉक्स, ऑल्टर शिफ्ट और ए, एक्चुअली में सब खत्म हो गया वहां पे। तो यहाँ पर हम फिर कुछ ढूंढते हैं, सर्च डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ गया, शिफ्ट ऑल्टर ए करेंगे। यहाँ पे आपको एक मेनू दिखेगा जिसमें डिफरेंट डायलॉग्स पे वो जाएगा आपके, क्योंकि हम लोग ने हिस्ट्री क्लियर किया है ना, इस वजह से वो नहीं दिखा रहा है। ये यहाँ पे जाएगा और इसको नीचे ऊपर बुकमार्क में जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल, ये डायलॉग बॉक्स गूगल, अल्टर शिफ्ट और ए, अभी वो नहीं दे रहा था। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग, आप इसको ट्राई करिएगा, अगर आपके उसमें रहेगा तो वो डायलॉग, हमने सारा अभी हिस्ट्री क्लियर कर दी ना, इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा था। अगर आपके इसमें डायलॉग रहेगा तो ये अल्टर शिफ्ट और ए से करेगा। एक बार और कोशिश कर लेते हैं, अल्टर शिफ्ट और ए नहीं ले रहा क्योंकि मेरे में डायलॉग खत्म हो गया। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्मर, फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया नेम। अब आपको ये पूरा हम टैब दिखा दे रहे हैं जिसमें आप इसको ट्राई करके काम कर लीजिएगा। गूगल फीचर्स जो है, गूगल फीचर्स शॉर्टकट गूगल, ये यहाँ पर इतना है। ये लास्ट के 4-5 आप अपने पर्सनल यूज़ का है तो आप उसको ट्राई करके करिएगा, अदरवाइज इसमें ईमेल भी दिखती है। तो आप इसको पर्सनल यूज़ के लिए लास्ट के 4-5 यूज़ कीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल टू द व्यूअर, प्लीज़ गो टू माई कम्युनिटी एंड आंसर ऑन पोल एंड प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ज़रा भी मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वॉच करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू।